उस दिन के बाद से आज तक पूरी दुनिया में कोविड नाइन्टीन -19 के एक मिलियन से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं जिसमें पाँच मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी हालांकि अभी कई वैक्सीन इजाद कर ली गई हैं और लार्ज स्केल वैक्सीनेशन का, का काम चल रहा है पर सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कोरोना वायरस के ओरिजिन के पीछे कई कॉन्स्परेसी थियरीज हैं जिसकी बात हम आगे लेक्चर में करेंगे बट वन क्वेश्चन विच लिंगर्स इन एवरी वन माइंड इज दस बायो वेपन दिस क्वेश्चन ऑफ टूडेज इज बायोलॉजिकल वेपन एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बायोलॉजिकल वॉरफेयर के डेफिनेशन के साथ बायोलॉजिकल वॉरफेयर और जर्म वॉरफेयर इज द डेलिबरेट यूज ऑफ डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स जैविक हथियार से निकले बैक्टीरिया वायरस का विष हवा पानी और खाने के साथ व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंचकर कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं जैविक हथियारों के चलते बड़े पैमाने पर नरसंहार संभव है इफ़ यू टॉक अबाउट दिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ बायोलॉजिकल आर सेवरल इंसीडेंट्स रिकॉर्डेड ऐसा माना जाता है कि मंगोल फोर्सेज ने तेरह सौ सैंतालीस में प्लेग से संक्रमित लाशों को ब्लैक सी के पॉट काफा के दीवारों पर डाल दिया था जब इस रास्ते से जहाज इटली वापस गए तो अपने साथ प्लेग लेकर गए जिसके कारण हुए ब्लैक डेट पेंडेमिक ने अगले चार साल में यूरोप के एक तिहाई आबादी की जान ले ली थी वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जर्मनी ने क्लैंडस्टाइन प्रोग्राम चलाकर एलाइड आर्मीज के हॉर्सेस और कैटल्स को इन्फेक्ट कर दिया था वर्ल्ड वॉर वन की तबाही को देखते हुए अधिकतर कंट्रीज ने 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल पर साइन किया और बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के युद्ध में इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जैपनीज मिलिट्री ने हजारों चाइनीज प्रिजनर्स को एंथ्रेक्स कॉलेरा प्लेग के एक्सपेरिमेंटल डोजेज दे देकर मार डाला एट द हाइट ऑफ कोल्ड वार दूस एंड सोवियत यूनियन ह्यूज बायो वॉरफेयर इसके इतिहास के बाद अब प्रेजेंट की बात करते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन नामक एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाई गई यह ट्रीटी बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स के डेवलपमेंट स्टॉक पाइलिंग एक्विजिशन रिटेंशन और प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाती है इस ट्रीटी पर करेंटली 183 कंट्रीज ने साइन किया है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को भी बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए बनाया गया इन सब अलग अलग ग्रुप और के बावजूद आज दुनिया पर बायो वॉरफेयर का खतरा मंडरा रहा है कागजी तौर पर कोई भी देश ओपनली बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बना रहा पर यह बात भी सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने आज भी स्मॉल पॉक्स वायरस का फ्रोजन स्टॉक अपने पास रखा है इनोवेशन इन जीन एडिटिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी

और पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज किसी बायो अटैक के प्रति हमें बलनेरेबल बनाती है ग्रोइंग बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड एडवांसमेंट इन जीन एडिटिंग रेज द थ्रेट लेवल फॉर इंडिया पिछले साल यह खबर आई थी कि चाइना और पाकिस्तान ने एक सीक्रेट बायो वॉरफेयर एग्रीमेंट साइन किया है यह हमारे लिए एक खतरे की घंटी है तो अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ दी ऑन गोइंग कोविड वर्ल्ड अबाउट द डिजास्टरस कंसिक्वेंसिस ऑफ अ डेंजरस वायरस इंडिया की बात करें तो हमें अपने फ्रेंडली नेशंस के सहयोग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट करके ऐसी डिवाइसेस तैयार करनी होंगी जो इन्वायरमेंट में मौजूद जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने में सक्षम हो हमें अपने क्लिनिकल लैब्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप करना होगा तो ये था आज का लेक्चर अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वह आप कमेंट बॉक्स में बताए I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share, and subscribe. And do follow me on Instagram, Twitter, and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF, and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.